होता है उसमें विस्कोसिटी जीरो होती है, तो एक्चुअली में विस्कोसिटी होती क्या है? ठीक है, देखिए, इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाई वर्च्यू ऑफ विच अ फ्लूड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ द फ्लूड ओवर द एडजेसेंट लेयर। जैसे क्या है, देखो आपका क्या होता है, जब फ्लूड फ्लो कर रहा है तो इनके क्या होता है, लेयर होती है ना फ्लूड के बीच में, अगर आप एज्यूम करें तो यहाँ पे एक लेयर्स टाइप की होती है। ठीक है, तो दो लेयर के बीच में जो क्या है, दो लेयर जब आपकी आपस में जब मूव करेंगी तो इनके बीच में क्या होगा, एक तरीके से फ्रिक्शन जनरेट होगा। ठीक है, तो इस फ्रिक्शन को मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस फ्रिक्शन को कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होगा, यानी कि ये क्या करेंगी, अपोज करेंगी इस मोशन को, डैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा है, विस्कोसिटी कहा है। ठीक है, अब विस्कोसिटी मेनली किस वजह से होती है, एक तो आपकी होती है दो वजह से होती है, एक होती है आपकी कोहेसिव फोर्स की वजह से और एक होती है आपकी मॉलिकुलर मोमेंटम की वजह से। कोहेसिव फोर्स मतलब क्या हो गया, आपका अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपका फोर्स लग रहा है, डैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। ठीक है, और मॉलिकुलर मोमेंटम क्या है, यानी कि क्या है, दो मॉलिक्यूल्स क्या आपस में मूव कर रहे हैं और जब वो आपस में टकराते हैं और उनका कॉलिजन वगैरह होता है तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है, यानी किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड मॉलिकुलर मोमेंटम, किस मोमेंटम में वो जा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों पे क्या होता है, डिपेंड करती है। अब देख लीजिए, बेसिकली ये दोनों प्रॉपर्टी टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करती हैं। जैसे मान लो अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और मॉलिकुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, उसका मॉलिकुलर मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, आपका जो आपकी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ने से क्या होगा, आपका जब कोलिजन होगा तो मॉलिकुलर मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, आपका कोहेसिव फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और मॉलिकुलर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट क्या होगा, विस्कोसिटी के लिए जनरेट होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी ऑफ गैस और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कैसे वेरी करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, आपका कोहेसिव फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और मॉलिकुलर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। लेकिन क्या होता है लिक्विड वाले केस में कि कोहेसिव फोर्स ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू द मॉलिकुलर मोमेंटम। तो इस वजह से क्या होगा कि आपके जो विस्कोस जो आपकी लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और गैस के फॉर्म में, गैस में क्या होता है आपका कि मॉलिकुलर मोमेंटम ज़्यादा डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू द कोहेसिव फोर्स। तो क्या होता है आपका, गैस की विस्कोसिटी ज़्यादा होती, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, तो ये आपका हो गया किस तरीके से गैस और लिक्विड वेरी करते हैं विस्कोसिटी से। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट जरूरी है आपके लिए।